जहां एक ओर कृषि बिलों को खारिज करने की मांग को लेकर देशव्यापी किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश का किसान अपने खेतों में रबी की फसल को बोने में जुटा हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब भाजपा किसान मोर्चा भी मैदान में उतर आया है और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर सवाल उठाने लगा है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को किसी भी सूरत में खारिज न होने देने की बात की जा रही है। दरअसल दिल्ली में पंजाब से लेकर दूसरे राज्यों की कई किसान जत्थेबंदियां केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों को हर हाल में खारिज करवाने के लिए बीते 30 दिनों से दिल्ली और साथ लगते बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इस हाल में कई किसानों की जान भी चली गई है, बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार अपने स्टैंड पर ज्यों की त्यों अड़िग है और उन्हें भी देश भर से पैरेलल भाजपा समर्थित किसान जत्थेबंदियों का साथ मिलने लगा है। कांगड़ा में भी भाजपा किसान मोर्चा ने केंद्र का समर्थन करते हुए इन कृषि बिलों को किसान हित में बताया है। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष मनजीत शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के किसान केंद्र की मोदी सरकार के साथ हैं और अभी जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग किसान कम और देश विरोधी ताकतों के हाथों खेलने वाले ज्यादा प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये जो जितना भी आंदोलन है, ये जो हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। यानी उनका ये सुनियोजित एक षड्यंत्र है, उसमें किसान कम है ना जी, और जितनी भी ये ताकतें हैं, चाहे वो मायोवाद हैं, आतंकवाद प्रेरित हैं, ये सारी ताकतें वहाँ पे सुनियोजित ढंग से किसानों के नाम पे इस आंदोलन को किसानों का नाम देकर के देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र रच रही हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उनके इन षड्यंत्र को, इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। हम कांगड़ा जिला की बात करें तो लगभग पिछले 1-1.5 महीने से हमने 20,000 के करीब किसानों से संपर्क किया, सीधे संपर्क करके बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, और हस्ताक्षर अभियान इन तीनों बिलों के समर्थन में किसानों ने और आम लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं कि ये जो केंद्र सरकार किसानों के हित में बिल लाई है उसका हम समर्थन करते हैं। और साथ में ये जो हस्ताक्षर है फिर हम जिले में इकट्ठे करके प्रदेश को, प्रदेश के 3 लाख हस्ताक्षर हम मोदी सरकार को इस बिल के समर्थन में भेज रहे हैं। और आने वाले समय में किसान मोर्चा इस अभियान को और तेज करेगा। गाँव गाँव में घर घर जा करके हम, हमारी जो योजना है किसान मोर्चा की कि एक बूथ पे 15 किसान प्रहरी, ऐसे हम योजना बना रहे हैं उसको, एक एक बूथ पे 15-15 किसान प्रहरी, उनके द्वारा ही हम लोगों के घरों में जाएंगे और ये किसान मोर्चा जो है इस अभियान को और तेज करेगा।